सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर ऑलरेडी देख लिया था कि जो लुओ फैंग था वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि उसने लगभग लगभग 6,20,000 इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था बैटल्स की। वही ये जो खबर है ये पूरी तरीके से वास्ट यूनिवर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू हो गई थी। इवन मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ भी लुओ फैंग के लिए असिस्टेंट्स हायर करना स्टार्ट कर चुका था। वही ये सारी न्यूज़ेस भी प्राइमल जॉ सिटी लीडर तक पहुँच जाती है कि काफ़ी सारे अदर रेसेस के लोग लुओ फैंग को मारने के लिए असिस्टेंट्स हायर करना शुरू हो चुके हैं। वही प्राइमल जॉ सिटी लीडर को ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कि जो लुओ फैंग उसने लगभग लगभग 6,20,000 बैटल्स के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। जब उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे। वही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो प्राइमल जॉ सिटी लीडर थे वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज के अंदर थे। वही ये जो शेडो एम्परर होता है वो प्राइमल जॉ सिटी लीडर को कहता है कि उसने 6,20,000 इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, जिसके अंदर से अभी तक वो 3,000 बैटल कर चुका है और 3,000 में से 2,979 बैटल्स ऑलरेडी वो जीत चुका है। वही प्राइमल जॉ सिटी लीडर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और एकदम से थ्रिल भी हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो लुओ फैंग है उस टीम में इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग लगभग 90 मिलियन से भी ज़्यादा पावरफुल कैंडिडेट्स होते हैं जो कि के पूरे यूनिवर्स से आते हैं, दूर दूर से, अलग अलग रेसेस से। और इन सब चीज़ों के अंदर जो हमारा जो लुओ फैंग है जो कि ह्यूमन रेस का है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो हमारी ह्यूमन रेस का नाम इतना ज़्यादा रोशन करेगा। वो जो शेडो बीस्ट होता है वो हंसते हुए बोलता है, रुको रुको एक अपडेट है, वो अभी तक 26,000 से ज़्यादा बैटल लड़ चुका है। वही प्राइमल जॉ सिटी लीडर जोर जोर से हंसने लग जाता है और उसकी जो हंसने की आवाज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गूंज रही थी। वही वो कहता है कि इसी तरीके का जो विनिंग रेट है वो बना रहेगा तो उसकी जो ग्लोरी पॉइंट है पता नहीं भगवान जाने कि वो कितनी ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 100 ग्लोरी पॉइंट से कोई भी एक इनहेरिटेंस को आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो वही प्राइमल जॉ सिटी लीडर हंसते हुए कहते हैं कि इस बार ये जो एंसेस्टर गॉड स्कूल है ये माइट बी एक सुप्रीम बीइंग को कल्टीवेट करने वाला है, वो भी ह्यूमन रेस का, जो कि जिसके अंदर कोई डाउट नहीं कि वो फ्यूचर में जाके इतना ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है कि शायद से वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को अपने कदमों के नीचे झुका सके। ये जो प्राइमल जॉ सिटी लीडर थे वो पूरी तरह से कन्फर्म हो चुके थे कि क्यों डीमन रेस, प्राइमन रेस और बाकी के जो सुपर पावर्स है यूनिवर्स की, वो सब लोग ब्लड रिवर एम्परर को क्यों रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो एक बार सुप्रीम बींग बन गया ह्यूमन रेस का तो शायद से इन सब लोगों का जीना हराम हो सकता है। इसलिए वो अभी वीक है तो इसी स्टेज के ऊपर वो उसको मार देना चाहते थे ताकि वो कभी भी आगे ना बढ़ पाए। ये ब्लड शेडो कहता है कि प्राइमल जॉ सिटी लीडर ना कि लुओ फैंग ने काफ़ी सारे इनहेरिटेंस को जीता और अपने विनिंग रेट को बरकरार रहा है, बल्कि उसके इतने सारे विनिंग रेट के कारण ये भी साबित होता है कि उसका जो कॉम्प्रहेंशन है वो कितना ज़्यादा डीप है लॉस के अंदर। और इसीलिए जो बग रेस, डीमन रेस और बाकी सारे ऑटोमन रेसेस के जो लोग हैं वो सब लोग उसको असिमिलेट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन व्हाट शैडो इस प्राइमल जॉ सिटी लीडर से पूछता है कि लेकिन ये सब तो ठीक है लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए। तो फिर प्राइमल जॉ सिटी लीडर पूछे असिमिलेट हिम तो हमें करना चाहिए। कुल मिला के जो एंसेस्टर गॉड स्कूल है ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी किसी को भी इसी तरीके से मार के चला जाए, और ये आप खुद से ही इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इवन जो पावरफुल सुपर रेसेस है वो लोग भी इस स्कूल से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे इन लोगों से खुले आंख पंगा लेने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो बाहर से तो कोई उसे मार नहीं सकता, तो ये असिमिलेट करने के लिए ज़रूर उसी के अंदर के किसी पावरफुल हायर को चूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे एक दूसरे को मारना पूरी तरीके से फॉरबिडन है। तो जो अगर वो अंदर से भी किसी हायर को अगर वहाँ पे चूज़ करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के लिए इतना ज़्यादा आसान होगा लुओ फैंग को मारना। और क्योंकि लुओ फैंग ऑलरेडी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है तो मुझे लगता है कि अब से वो लुओ फैंग के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अभी लुओ फैंग की उनके स्कूल की नाम, शोहरत और इज्जत बन चुकी है। और इसके अलावा मैं देखूँ तो मुझे अपने डिसाइपल के ऊपर पूरी तरीके से पूरा पूरा भरोसा है। अगर वो इतने सारे बम्बू उखाड़ रहा है या फिर गाड़ रहा है तो ज़रूर वो इन सब लोगों से भी निपट लेगा। फिलहाल के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो। वही गाइस, ये जो शैडो एम्परर था ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन था और ये एक्चुअल में एक इंचार्ज था इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट हॉन्ग अलायंस का। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पर्सन है ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि आप इसे कटप्पा भी समझ सकते हो, मतलब ये कुछ पैलेस लीडर जो है उनके बराबर का था, उनके साथ भी आराम से फाइट करके उनको हराने का दम रखता था। हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था जो बग रेस, डीमन रेस और ऑटोमन रेस थी उन सब लोगों ने लुओ फैंग को और ज़्यादा ऑब्जर्व करना बंद कर चुका था, क्योंकि जो बग रेस के लोग हैं ऑलरेडी उन्होंने लुओ फैंग को असिसिनेट करने के लिए कमिट कर दिया था। वही हम लोगों को बग रेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। बग रेस के अंदर हम लोगों को काफ़ी सारे ब्यूटीफुल जो तितलियाँ वगैरह वो सारी चीज़ें हैं वो उड़ते हुए देखने के लिए मिल सकती थी। वही हम लोगों को एक बग क्वीन भी देखने के लिए मिल सकती थी जो कि थ्रोन के ऊपर बैठी थी, बाकी सब आपस में खेल रहे थे। इन सब लोगों को देख के इन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दया आती है और ऐसा लगता है कि इन सब लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये खुद ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। वही वहाँ पे हम लोगों को एक यूनिवर्स लेवल का नाइट देखने के लिए मिलता है जिसका नाम था जू गैंग, और ये यहाँ पे आया था क्योंकि इसको हायर किया गया था असिसिनेट करने के लिए। तभी जो बकवीन होती है वो इस पर्सन से कहती है क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है। तभी वो पर्सन कहता है कि यूनिवर्स मास्टर ने मुझे चूज़ किया है क्योंकि मैं एक हायर हूँ
और सेकेंडली मैंने डिसाइडेड किया है कि मैं बीस्ट गॉड पाथ को जल्दी गिव अप कर दूंगा, छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इसके अंदर काफ़ी सारे सालों से प्लान कर रहा हूँ, मतलब मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे बॉडी के अंदर मुझे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने के लिए मिल रहे। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं स्पेस एंड टाइम लॉस को कॉम्प्रहेंड करूँगा, और उसके अलावा मेरे पास मेरी अल्टरनेटिव बॉडी है। और जो फाइनल रीज़न है वो है क्योंकि मैं कॉन्ग वैन क्लैन का हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट टू माइंड कंट्रोल के लिए भी। सो किसी भी कॉस्ट के अंदर शायद से ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट पर्सन रहूँगा ब्लड रिवर एम्बर को मारने के लिए। इवन मैं उसको मारने से पहले अगर उसका माइंड कंट्रोल कर लेता हूँ और उसे अपना स्लेव बना लेता हूँ तो शायद से उसको फ्यूचर के अंदर कभी कोई पर्सन रिवाइव भी नहीं कर पाएगा। वही जो बक क्वीन होती है वो इस पर्सन की तरफ देखती हुई कहती है, हाँ तुम शायद से सही कह रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो और मैंने तुम्हें चूज़ किया है। हाउएवर तुम अगर ये सारे काम हमारे कर देते हो तो तुम्हें ये सारे काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, कि एक बार अगर तुम उस जगह के ऊपर मतलब एंसेस्टर गॉड स्कूल के अंदर किसी को मारते हो तो वहाँ की जो अरोरा बीम्स है वो डायरेक्टली तुम्हें हिट कर जाएगी जिसके कारण तुम मर जाओगे। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें रिवाइव कर दूँगी, और इसके अलावा तुम्हें रिवाइव करने के बाद काफ़ी सारे प्राइजेस दिए जाएंगे और काफ़ी सारे इनहेरिटेंस प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके थ्रू तुम्हारी जो बाकी की लाइफ है वो एकदम चंगा चंगा हो जाएगी। और वो कहती है कि हमारा जो अलायंस है वो तुम्हें हर चीज़ के लिए कंपनसेट करेगा जो कुछ भी तुम खोदोगे, लेकिन याद रखना तुम्हें किसी भी हालत के अंदर उस पर्सन को असैसिनेट करना ही है। वो क्वीन इस असैसिनेट से कहती है कि जहाँ तक कि मुझे पता है जो ब्लड रिवर एम्परर इसने लगभग लगभग सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है, तो वो इस वक्त अपने पैलेस के अंदर रेस्ट कर रहा होगा और लगभग लगभग उसको इन सारे चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब लगभग लगभग 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे जिस स्पीड से अभी वो चल रहा है। लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता है कि ये जो पर्सन है तुम उसको उसके पैलेस के अंदर जाके तो नहीं मार सकते, लेकिन ये जो पर्सन है इसको तुम तभी मार सकते हो जब ये अपने पैलेस के बाहर निकलेगा, और जिस मोमेंट पर तुमने इसको मारा उसी मोमेंट के ऊपर तुम भी वहाँ पे मर जाओगे, क्योंकि जो पाई कलर ओवरऑल लेके उसके अंदर से एक बीम आएगी जो कि तुरंत तुम्हारे ऊपर आ जाएगी और तुम जगह पे ही ख़त्म हो जाओगे। लेकिन हम तुम्हें वापस से रिवाइव करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और रिवाइव करने के बाद तुमने जितनी भी चीज़ें खोई है वो सारी चीज़ें तुम्हें पहले लौटाई जाएगी और इसके बाद तुम्हें दबा के ट्रेजर्स दिए जाएंगे। इसके बाद ये जो जू गैंग नाइट होता है ये आगे अंदर मुंडी हिलाता है और यहाँ से पीछे मुड़ जाता है, वही हम लोग को बूनिया आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, मतलब वही का जहाँ पे लो फैंग था, वहीं पे हम लोगों को ये यूनिवर्स लेवल का नाइट भी देखने के लिए मिल सकता है, जू गैंग नाइट। ये मनी मन बस एक ही चीज़ सोच रहा था कि इवन वो जो बग रेस है वो शायद से अगर उसको पूरी तरीके से रिवाइव कर भी दे और उसको कंपनसेट कर भी दे, फिर भी वो ये चीज़ सोच रहा था कि क्योंकि अगर वो ब्लेड रिवर एम्परर को मारता है क्योंकि वो एक पियरलेस टैलेंट है, तो उसको मारने के बाद अगर कोई इसको रिवाइव कर भी देता है उसके बाद भी जो ह्यूमन रेस है वो शायद से इसको ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली, और वो उसको वापस से ढूंढ करके ज़िंदा होने के बाद वापस से मार देगी, जितनी बार भी ज़िंदा होगा उतने बार इसको ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि ये जो जू कैंग नाइट था उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस और होपलेस फील हो रहा था, इवन वो अभी अपने क्लैन के ऑर्डर्स को रेजिस्ट भी नहीं कर सकता था और उसने हामी ऑलरेडी भर चुका था, तो अभी उसके पास कुछ सोचने का दूसरा मौका भी नहीं था, जो उसके सामने उसको वो चीज़ पाथ को चूज़ करना पड़ेगा और लो फैंग को असैसिनेट कर ही ना ही पड़ेगा। वही 2 दिन बीतते और हम लोगों को वही सेम बंदा देखने के लिए मिलता है एक माउंटेन पीक के ऊपर। ये जो पर्सन था ये स्नो मतलब स्नेक लाइक क्रिएचर की तरह कुछ कुछ था, ये मनी मन लो फैंग के विला की तरफ देखते हुए कह रहा था कि मुझे अपने आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेगा अगर मैं लो फैंग को मारना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मास्टर ऑफ वुल्फ से प्रॉमिस किया हुआ है और वो उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो भले ही टाइम को रिवर्स करके मुझे ज़िंदा कर देंगे लेकिन फिर भी मैं काफ़ी कुछ खो दूंगा, मैं अपॉर्चुनिटी खो दूंगा कि मैं बीस्ट गॉड पाथ को फ्यूचर के अंदर फॉलो कर सकूं या फिर प्रैक्टिस कर चुकूं, क्योंकि ये जो एंसेस्टर गॉड स्कूल है ये मेरे को निकाल देगा, मेरे से बीस्ट गॉड पाथ भी छीन लेगा तो घंटा में कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, और उसके अलावा अगर मुझे वापस से ज़िंदा कर भी दिया जाता है उसके बाद भी मुझे तब तक मारा जाएगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, क्योंकि जो ह्यूमन रेस है उसके लिए जो लो फैंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन फिलहाल के लिए उसके कानों के अंदर बस एक ही गूंज गूंज रही थी, वो भी मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ की, वो बस उसे यही बोल रहे थे कि तुम्हें उसे मारना होगा, और क्योंकि अगर लो ये जो पर्सन है ये लो फैंग को अभी नहीं मारता तो मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ उसको ज़रूर मार देता। यही इसी तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, टाइम बीतता रहता और जो लू फेंग था उसके लिए तो डेली की 1000 बैटल जो थे उसके वार्म अप बैटल बन चुके थे, और वो इसी तरीके से प्रैक्टिस करता रहता था, 11 घंटे रोज़ फाइट करता था, फिर आराम करता था, फिर नेक्स्ट डे का उसका वापस से ही रूटीन। इसी के साथ साथ फाइनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है धीरे धीरे करके 6,20,000 सारे के सारे बैटल्स लू फेंग ख़त्म कर देता है, और उसकी पावर्स और उसका नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था।
वही सीन चेंज होता है, हम लोगों को बहुनिया आइलैंड का नज़ारा देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे काफ़ी सारे पैलेसेस हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे। इनके अंदर से एक पैलेस लो फैंग का मेंशन भी था, और लो फैंग के मेंशन से कुछ किलोमीटर दूर हम लोगों को एक यूनिवर्स नाइट देखने के लिए मिल सकता था, जो कि आराम से एक घर के अंदर आराम से क्रॉस लेग करते हुए बैठा हुआ था, और ये इस वक्त बस लो फैंग की रेसिडेंसी के ऊपर ही नज़र रखे हुए था। ये लो फैंग का बस वेट कर रहा था कि कब लो फैंग बाहर आएगा और इसके बाद ये लो फैंग को मार देगा। इस वक्त ये जो पर्सन था, ये जो नाइट था, ये एक एम्परर लेवल के वॉरियर के घर के अंदर घुस के बैठा हुआ था, क्योंकि छोटी सी बात है कि जहाँ पे लो फैंग का विला है वहाँ पे जनरली सारे के सारे एम्परर लेवल के लोग ही रहते थे, जो नाइट लेवल के लोग रहते थे वो अलग टेरिटरी के अंदर रहा करते थे। तो कुल मिला के अगर इसको यहाँ पे रुकना है तो इसको कोई ना कोई बकरा तो फंसाना ही था, इसलिए इसने एक एम्परर लेवल के बंदे के घर के अंदर कब्जा करके रखा था। और क्योंकि ये जो पर्सन है ये एक नाइट लेवल का पर्सन था, इसलिए वो जो सामने वाला बंदा है वो इसको मना भी नहीं कर पाया, और क्योंकि ये किसी नाइट लेवल के पर्सन की मदद कर रहा था तो ये सोचता है कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, और मे भी हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर ये जो नाइट है ये उसका दोस्त वोस्त बन जाए तो उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें सोच के फाइनली वो जो एम्बर लेवल का लोग बंदा होता है वो इस लाइट परसेप्शन नाइट को अपने घर के अंदर पनाह दे देता है, और जो लाइट परसेप्शन नाइट होता है ये बस क्रॉस लेग करते हुए पूरे पूरे दिन भर बैठा रहता था, और इसकी नज़र बस ब्लड रिवर एम्परर के घर की तरफ रहती थी। वही ये जो पर्सन था लाइट परसेप्शन नाइट, इसका ध्यान लो फैंग के घर की तरफ था ही, लेकिन इसके साथ साथ वो वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी के अंदर भी उसने अपनी थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस के थ्रू कनेक्ट करके रखा था। वो लो फैंग के बैटल रिकॉर्ड को चेक करता रहता था, वो इस वक्त उसके ब्लैक बुक से देख सकता था कि लो फैंग के लास्ट के 32 बैटल्स बचे हुए हैं। मतलब गाइस किस तरह के जो चूतिया बनाया जाता है, लास्ट चैप्टर के अंदर बोल रहे थे बैटल खत्म हो गए और अभी बोल रहे 32 बैटल्स बाकी है। इस वक्त वो देख सकता था कि जो लो फैंग था ऑलरेडी उसने एक फॉर्मेटेबल बैटल रिकॉर्ड बना चुका था, जिसको आज तक किसी ने भी इस जगह के ऊपर कभी भी नहीं बनाया था। उसने जितने फाइट्स लड़ लिए थे कुछ ही टाइम के अंदर, उतनी फाइट साइड से पूरे के पूरे कुल मिला के भी इन लोगों ने नहीं लड़ी होगी। कि इतने सारे बैटल्स को जीतने के बाद लो फैंग के पास ऑटोमेटिकली इतने सारे ग्लोरी पॉइंट होंगे, इतने सारे ग्लोरी पॉइंट होंगे कि शायद से वो एक यूनिवर्स लेवल के ओवरलॉर्ड के पर्सन के पास भी नहीं होंगे। तो वो सोच रहा था कि लो फैंग इतने सारे ग्लोरी पॉइंट का करेगा क्या, और वो क्या खरीदेगा, इतने में तो वो पूरे के पूरे एंसेस्टर गॉड स्कूल को ही खरीद सकता है। एक्चुअली जो नाइट परसेप्शन नाइट था ये अलग नाइट है, और कुल मिला के अभी तक मैं 3 नाइट्स की बात कर चुका हूँ, जो कि एक ऑटोमन रेस से था, एक बक क्लैन से था और दूसरा डीमन क्लैन से था। हम लोग को देखने के लिए मिलता है फाइनली जो लो फैंग होता है वो लगभग लगभग उसके सारे बैटल्स खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद उनको लगता है लो फैंग बाहर आने वाला है, लेकिन जो ब्लड रिवर एम्परर होता है वो बाहर आता ही नहीं है। फिर उनको लगता है कि शायद से इतनी सारी कंटिन्यूस फाइट के बाद वो थोड़ा बहुत थक चुका होगा, इसलिए वो थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहा होगा, इसलिए वो उनके घर के बाहर ही वेट कर रहे होते हैं लो फैंग का कि अभी निकलेगा तो अभी मारेंगे। लगभग लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे ही करके दिन बीतते रहते हैं। जो यूनिवर्स नाइट लेवल के वॉरियर होते हैं ये सब बस लो फैंग का वेट कर रहे थे कि अब लो फैंग बाहर आएगा और इसके बाद ये लो फैंग के ऊपर अटैक करने वाले हैं। चलो यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को 9 स्टार बे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लो फैंग की फैमिली रहती थी। वही लो फैंग अपने फैमिली के साथ बैठ के डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा हुआ था, आफ्टर ऑल वो यहाँ पे कनेक्टेड था तो वो अपने फैमिली से दूर नहीं रहना चाहता था। वही जो लो फैंग होता है वो हंसते हुए कहता है कि डैड क्या आपको पता है, तभी वो कहता है कि यंगर ब्रदर ने मुझे बताया था कि आप एडवेंचर कर रहे हो यूनिवर्स के अंदर और आप इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल स्कूल के अंदर हो, और वहाँ पे जाके ऑलरेडी आपने जो भौकाल मचाया उस चीज़ के बारे में हमने भी सुना है। और इसके अलावा ये जो लो है होता है ये उसको ये भी बताता है कि क्योंकि मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गया था, इसलिए मैं वास्ट यूनिवर्स के अंदर भटक रहा था और भटकते भटकते फाइनली मुझे एक पर्सन मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट था और वो उंगली करने की कोशिश कर रहा था, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने उसको फेल दिया। लेकिन एट द एंड पता चला कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उस पर्सन का जो टीचर था वो एक नाइट लेवल का अनडाइंग पर्सन है, जिसके बाद मेरे लिए थोड़ी सी मुसीबत खड़ी हो गई थी और वो पर्सन मेरे को पेलने के लिए आ गया था, लेकिन एट द एंड मैं बच गया क्योंकि मुझे किसी ने आके बचा लिया। लेकिन जो लो फैंग था वो भी थोड़ा बहुत सरप्राइज था, क्योंकि पिछले 10,000 सालों के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि जो उसका बेटा था उसने एक अनडाइंग लेवल के एम्परर को चैलेंज कर दिया था मारने के लिए। तभी लो फैंग अपने बेटे की तरफ देखता है और बोलता है अगली बार अपने औकात के हिसाब से अपना ओपोनेंट चुनना। लो फैंग ये चीज़ जानता था कि जो लू है वो उसी के पाथ के ऊपर चलना चाहता है और बड़े होके एक ग्रेट बींग बनना चाहता है, और ग्रेट बींग बनने के लिए कॉमन सी बात है कि उसको काफ़ी सारे डेंजर्स के सामना करना पड़ेगा, उसके अलावा काफ़ी बार उसकी जीत होगी काफ़ी बार हार होगी, लेकिन वो अपने बेटे को हमेशा इस तरीके से नहीं रखना चाहता था, उसको खुद ब खुद पावरफुल होने देना चाहता था।
जो जुजिन होती है वो भी गांगा यूनिवर्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है। वो कहती है कि उन्होंने हमें लगभग लगभग 12 स्टार फील्ड्स प्रोवाइड किए हमारे होम टाउन के अलावा। इसके अलावा लास्ट टाइम लू हे को भी उन्होंने ही मदद की थी। वही लू फेंग थोड़ा सा शौक होता है कि गांगा यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है, लेकिन उसको थोड़ी बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है कि गांगा यूनिवर्स, तुमने मेरी लू फैमिली की काफ़ी ज़्यादा मदद की है जब मैं अपने लू फैमिली से दूर था। डेफिनेटली मैं फ्यूचर के अंदर कभी ना कभी तुम्हारी इस फेवर को याद रखूंगा और तुम्हें डेफिनेटली पे ऑफ करूंगा। वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है, लगभग लगभग 9 दिन इसी तरीके से बीत चुके होते हैं। लेकिन जो लू फेंग होता है उसने अपने सारे बैटल खत्म हो चुके थे, लेकिन बाउनुआ आइलैंड के अंदर अभी तक वो अपने घर के बाहर निकला नहीं था। और काफ़ी सारे जो नाइट लेवल के लोग थे वो अभी तक लू फेंग का अभी तक वेट कर रहे थे कि लू फेंग बाहर निकलेगा और वो लू फेंग को मारेंगे। वही जो लू फेंग होता है वो इस वक्त अपने बैटल रिकॉर्ड को चेक कर रहा था, जिसके अंदर उसने 621,081 बार अपनी फाइट जीती थी। वही 5,102 बार वो हारा भी था, और कुल मिला के उसके पास 610,000 इस वक्त ग्लोरी पॉइंट्स थे। और हर 100 ग्लोरी पॉइंट्स के साथ वो एक ट्रेजर या फिर एक इनहेरिटेंस को एक्सचेंज कर सकता था। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन उसको थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि इतने सारे हायर जो उसने सोचा था कि वो उसको ह्यूमिलेट करेंगे, लेकिन लू फेंग ने उन सब लोगों के मजे ले लिए थे। लेकिन कुल मिला के जो उसने 620,000 फाइट्स लड़ी थी उसके अंदर काफ़ी सारे पियरलेस टैलेंट थे, लेकिन उन सब में से बस 6 लोग ऐसे थे जो लू फेंग से ज़्यादा पावरफुल थे, और उन्होंने लू फेंग को सही मायने के अंदर हराया था। और डेफिनेटली ये जो 6 लोग थे ये लू फेंग के फ्यूचर के अंदर जाके अपोनेंट बनेंगे। जिसके अलावा जितने बाकी के लोग थे जिन्होंने लू फेंग को हराया था, उन सबको बस लू फेंग ऐसे सोचता था कि शायद से ये जो लोग हैं इन लोगों ने बस अपने लक के बेसिस के ऊपर लू फेंग को हराया। और उसके अलावा इन्होंने थोड़ा बड़ा इनके अंदर पावर भी था, ऐसी बात नहीं थी कि 5,102 लोगों ने लू फेंग को ऐसी लक के बेसिस के ऊपर हरा दिया होगा। लेकिन लू फेंग सोचता था कि इन लोगों को लू फेंग आराम से मैनेज कर सकता है फ्यूचर के अंदर, उनसे उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बस 6 अपोनेंट्स उसको ऐसे लगे थे जो कि अनडाउटली लू फेंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, और उन्होंने लू फेंग को सही मायने के अंदर हराया था। हम लोग को लीडर बोर्ड के ऊपर एक दूसरे पर्सन का भी नाम देखने के लिए मिल सकता था जो कि इस वक्त सेकंड रैंक पे था, लेकिन लू फेंग के आने से पहले फर्स्ट रैंक के ऊपर था, क्योंकि इसने लगभग लगभग 9,822 विंस जीती थी। और लगभग लगभग बस ये आज तक 3 ही बैटल्स को हारा था। लेकिन कुल मिला के जो लू फेंग का नंबर था वो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि लू फेंग ने 621,000 विन जीत लिए थे। भले उसके अंदर वो 5,000 बैटल्स को हार गया था, लेकिन ये चलता है, लू फेंग ऑलरेडी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर चुका था। वही लू फेंग कहता है कि इतने सारे बैटल्स लड़ने के बाद फाइनली उसने काफ़ी कुछ सीख लिया है, और उसका जो कॉम्प्रहेंशन है ग्रेट डाओ के अंदर वो भी और ज़्यादा पहले से ज़्यादा प्रिसाइज हो चुका है। तो अभी उसको कोई भी जल्दी नहीं थी इनहेरिटेंस को पाने की, और लगभग लगभग बस 2 ही साल हुए थे जब उसने अपने लास्ट इनहेरिटेंस को लिया था। तो वो सोचता है कि इस वक्त वो और ज़्यादा कंसंट्रेशन करेगा अपने बीस्ट गॉड पाथ के ऊपर, और एक बार इसको जो कुछ भी उसने 620,000 बैटल्स के अंदर से जो भी एक्सपीरियंस पाया इन सबको एक और बार नोटिस करेगा, और इन सब चीज़ों से ये करते हुए जो उसका थर्ड स्टेज का इनहेरिटेंस है वो उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से कम्प्लीटली समझने की कोशिश करेगा एक तरीके से। और ये सारे काम होने के बाद फाइनली वो निकल लेगा अपने घर से और अपने लिए एक स्पेशल लाइफ सूटेबल फॉर्म ढूंढेगा जिसके कारण वो अपने थर्ड बॉडी को प्रोड्यूस कर सके। ये हम लोग को बुनिया आइलैंड के ऊपर देखने के लिए मिलता है, जो लाइट परसेप्शन नाइट होता है और बाकी जो 2 नाइट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से लू फेंग का इंतजार कर रहे थे। लेकिन लू फेंग जो होता है वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। वो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि इसी तरीके से 1 साल 2 साल 3 साल बीतता रहता है, 100 साल बीत जाते, 200 साल बीत जाते, 300 साल बीत जाते। इस वक्त तो लाइट परसेप्शन और बाकी सब लोगों का भी सब्रों का बांध टूट चुका था, और उन्होंने लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा कैजुअली समझ लिया था। वो पहले लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा गाली दिया करते थे कि ये हरामी कहीं का, ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, एक नंबर का डरपोक है, ऐसा है वैसा है। लेकिन बाद में वो लोग भी बोर हो चुके थे, आखिर ये कब तक गाली देते। इसी के बाद जो लाइट परसेप्शन नाइट और बाकी सब लोग थे उन्होंने लू फेंग के विले से काफ़ी ज़्यादा दूर अपने कुछ AI रोबोट लगा दिए थे, जो कि लू फेंग के घर के ऊपर 24/7 नज़र रखते थे। और ये लोग भी कभी कभार हफ्ते में एक आध बार राउंड पे आ जाते थे देखने के लिए, क्योंकि अब ये लोग बोर हो चुके थे। और 100 सालों तक कौन इतना ज़्यादा वेला पर्सन होगा जो कि बस लू फेंग के घर की तरफ आग डालते देखता रहेगा। अगर लू फेंग के अलावा कोई लड़की होती फिर भी बात अलग होता, लेकिन लू फेंग को कौन घूरेगा इतने टाइम तक। वही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, पलक झपकते ही 900 साल इसी तरीके से पास हो जाता है, और जो लू फेंग था उसने 620,000 जो भी बैटल्स लड़े थे उन सब लोगों के अंदर जितनी भी अचीवमेंट्स थी या फिर जो भी उसने कॉम्प्रहेंशन किए थे उन सब चीज़ों को समझते हुए उसने फाइनली पूरे थर्ड स्टेज को एकदम अच्छी से पूरा फुलफिल कर लिया था। और क्योंकि लू फेंग स्पेस और गोल्ड लॉ को इनहेरिटेंस करता था, तो इसके वजह से इतने सारे बैटल्स के बाद उसने स्पेस लॉस के अंदर उसकी जो समझ थी वो किसी ऑर्डिनरी पर्सन से काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ चुकी थी।
वही लू फैंग इस वक्त ये सोच रहा था कि उसकी जो ओरिजिनल अर्थलिंग बॉडी है और उसकी जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी है वो दोनों की दोनों बॉडीज अभी इस वक्त टेलीपोर्ट कर सकती थी, लेकिन वो सोच रहा था उसको अभी भी कॉम्प्रहेंड करने की ज़रूरत है बाकी के दो मेजर एस्पेक्ट के अंदर जो स्पेस लॉस के अंदर आते हैं। वही लू फैंग उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि अभी समय आ चुका है कि मुझे बाहर निकलना चाहिए अपने घर के बाहर और मेरे को जाके अपने इनहेरिटेंस के ऊपर वापस से लेना चाहिए। कहीं जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट टाइम लू फैंग ने अपना इनहेरिटेंस लिया था 900 साल पहले, और जब उसने लिया था तभी उसने 50% इनहेरिटेंस को तो वहीं पर जगह पर समझ लिया था। तो फाइनली वो अपने फोर्थ इनहेरिटेंस को लेने के लिए जा रहा था, और फोर्थ इनहेरिटेंस को लेने के बाद वो फाइनली ऐसा कुछ सोच रहा था कि उसकी जो नेमलेस मैनुअल है उसकी थर्ड वॉल्यूम को वो इसके साथ पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। वो देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है वो अपने मेंशन के ऊपर आता है, और जैसे ही वो अपने गेट के बाहर निकलता ही है वैसे ही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है काफ़ी सारी एआई रोबोट अचानक से उसके ऊपर लॉक हो जाते हैं उनके विजन्स, और एकदम से वो सब लोग उन सारी नाइट्स को मतलब वो जो तीन नाइट्स हैं उन तीनों को इन्विटेशन भेज देते हैं, मतलब मैसेज भेज देते हैं कि जो लू फैंग वो फाइनली अपने रेसिडेंसी से बाहर आ गया। इसी के साथ वो लोग काफ़ी ज़्यादा भागे भागे आते हैं, अरे माय लॉर्ड फाइनली उस गधे के बच्चे ने अपना दरवाज़ा खोल दिया घर का, अभी अभी मैं जाऊँगा और इसकी धक्की तिक्की करके आऊँगा। और इसी के साथ वो तीनों के तीनों जो यूनिवर्स लेवल के नाइट थे वो पागल कुत्तों की तरह बुआनिया आइलैंड के ऊपर आते हैं टेलीपोर्ट होते हुए और लू फैंग को देख रहे थे। इस वक्त हम लोगों को लाइट परसेप्शन नाइट देखने के लिए मिल सकता था, जिसके अंदर हम लोग आंखों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मर्डरस इंटेंट देखने के लिए मिल सकता था। उसके दिल के अंदर इतनी ज़्यादा नफरत थी क्योंकि उसको लगभग लगभग 900 सालों तक वेट करना पड़ा था इस मोमेंट के लिए। फाइनली एक सेक्टर लॉर्ड को मारने के लिए एक यूनिवर्स नाइट ने इतना ज़्यादा टाइम लिया था, मतलब इतना ज़्यादा टाइम वेट किया था, तो डेफिनेटली उसके अंदर गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा होगा ही। वही हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि जो सीनियर्स हैं नॉर्थन टेरिटरी अलायंस के, जो प्रिजन रेस के अलायंस, नाइन टेरिटरी अलायंस और बाकी जितने भी लोग थे उन लोगों को ऑलरेडी पता था कि जो ब्लड रिवर एम्परर है वो अपने घर के अंदर घुस के बैठा हुआ और ऑलरेडी इसको मारने के लिए डीमन रेस, ऑटोमन रेस और बग रेस ने अपने असिस्टेंट भेज दिए है। तो वो लोग भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि जब तीन पीक रेसेस के लोग ब्लड रिवर एम्परर को मारने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे किस तरीके का मैस क्रिएट होगा, और ऑलरेडी यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा लोग गोड़ा हो चुके थे जो कि लू फैंग को मरते हुए देखना चाहते थे। बिना किसी वार्निंग के अचानक से हम को देखने के लिए मिलता है लू फैंग जैसे अपनी मेंशन के बाहर निकलता है उसके सामने एक बीस्ट अपीयर हो जाता है जो कि पूरी तरीके से कीचड़ से लिपटा हुआ था। उसके आंखों के अंदर हम लोगों को काफी ज्यादा एग्रेशन देखने के लिए मिल सकता था। वो जो बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा तेजी से कांपने लग जाता है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। गाइस ये जो था ये मड स्वॉलिंग नाइट था। वही हम लोगों को लाइट परसेप्शन नाइट भी देखने के लिए मिल सकता था जो कि दूर से देख रहा था। उसको ऑलरेडी पता चल चुका था कि ये जो मड स्वॉलिंग नाइट है ये वहां पे उससे पहले अपीयर हो चुका है टेलीपोर्ट करते हुए, तो ये सबसे पहले ये देखना चाहता था। उसको डेफिनेटली पता था जो लू फैंग है उसको मारना इतना आसान तो होगा नहीं, तो वो देखना चाहता था कि देखता है ये पहले ये जो मड स्वॉलिंग नाइट है ये क्या उखाड़ पाता है लू फैंग का, और जैसे ही इन लोगों की जो फाइट खत्म होने वाली होगी इससे पहले लाइट परसेप्शन नाइट बीच में आ जाएगा और आने के बाद लू फैंग को मार देगा, या फिर अगर ये जो पर्सन है मड स्वॉलिंग बीस्ट अगर ये भी लू फैंग को मार देता था फिर भी इसके के अंदर इसी का फायदा होने वाला था क्योंकि फाइनली इसको अपनी जान की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था ये बंदा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था कि ये भी लू फैंग को नहीं मारना चाहता था क्योंकि लू फैंग को मारने के बाद कॉमन सी बात है जो अरोरा लेक की जो रेज है वो इस पर्सन को भी मार देती। इसी के साथ वो हंसते हुए बोलता है फाइनली मड स्वॉलिंग नाइट तुमने मुझे बचा लिया, अभी तुम जाके मारो इस ब्लड रिवर नाइट को और अगर तुम मारते हो तो मैं बस यहाँ से बैठे बैठे ये तमाशा देखते रहूँगा, इस तरीके से जो फाई कलर उरा लेक की बीम्स है वो मुझे मारेगी भी नहीं और वो तुम्हें मारेगी और लू फैंग को मैं मार देगी और मैं यहाँ से बैठे बैठे दूर से इस तमाशे को रिकॉर्ड करता रहूँगा। इसी साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है लू फैंग जोर से चिल्लाता है शिवू विंग्स और उसके बैक के ऊपर शिवू विंग्स अपीयर हो जाता है और शिवू विंग्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काँप रहे थे। वो अपने शिवू विंग्स की मदद से अपने आप को इस अटैक से डॉच करने की कोशिश करता है जो कि ये जो मड स्वॉलिंग नाइट है जो इसने उसके ऊपर किया था। तभी ये जो पर्सन होता है ये लू फैंग के ऊपर फिजिकल अटैक तो करता ही करता है उसके साथ साथ मेंटल अटैक भी कर देता है और ये अपनी गोल्डी पावर की मदद से लू फैंग के ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वही लू फैंग हंसते हुए कहता है अच्छा बेटे मेरे को स्लेव बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि आज आप लोगों को ऑलरेडी पता था लू फैंग की जो इनक्रेडिबली फॉर्म विल है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है 6,000 सालों के बाद और उसकी जो इस वक्त सोल है वो किसी नाइट लेवल के वॉरियर से भी ज़्यादा पावरफुल है। अभी अभी उसके ऊपर अटैक हुआ था उसकी गोल्डी पावर्स के कारण जो लू फैंग की सोल थी वो बिल्कुल भी टेम्पटेड नहीं हुई थी। इसी के साथ साथ जो टाव पर्ल था वो भी लू फैंग की सोल को घाट कर रहा था। इसके साथ साथ वो जो गोल्डी पावर्स थी वो घंटा भी लू फैंग की सोल का कुछ भी नहीं उखाड़ पाती। वो जो स्वॉलिंग बीस्ट होता है स्नाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो इतना खुलासा क्लोज था और उसने इवन अपनी बॉडी को अंडाइंग बॉडी को भी बर्न किया था लू फैंग के सोल को कंट्रोल करने के लिए और इवन इनफैक्ट वो एक यूनिवर्स लेवल का नाइट था लेकिन उसके बाद इतना
कुछ करने के बाद भी लू फेंग किसी को कंट्रोल नहीं कर पाया था, ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था। तभी अचानक से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक जोर की आवाज़ आती है डूम, और इसी के साथ फाइव कलर उरा लेक के अंदर से जो एक वेव होती है या फिर एक रे होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पाँचों कलर एक साथ मिलते एक रे बनती है और वो सीधा मर्ज फॉलिंग नाइट की तरफ शूट आउट हो जाती है। भाई मर्ज फॉलिंग बीस्ट को ऑलरेडी पता चल चुका था कि उसकी तरफ ये अरोरा लेक की वेव आ रही है और वो अभी मरने वाला है, उसको अपनी मौत का इस वक्त कोई भी चिंता नहीं थी। वो लू फेंग की तरफ देखता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और वो अपनी पूरी की पूरी अनडाइंग बॉडी को बंद कर देता और वो कहता है कि तुम्हें मरना होगा। मर्ज फॉलिंग बीस्ट के अपना मुँह खोलता है, उसके मुँह से एक उसकी बड़ी सी टंग बाहर निकलती है, उसकी टंग के ऊपर काफ़ी सारे मडी वाटर ड्रॉप्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे जो डायरेक्टली डाक के लू फेंग की पूरी बॉडी को एक साथ पकड़ लेते हैं। और ये जैसे ही पकड़ लेते हैं लू फेंग ने इस वक्त अपनी विंग के थ्रू अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखा था, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था उसका जो शावो विंग्स है वो इंडीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन एक यूनिवर्स नाइट लेवल के पर्सन के सामने कुछ भी नहीं थे। इवन उस बंदे ने अपने गोल्डी बॉडी को भी बर्न कर दिया था, तो इस तरीके से वो कैसे बच सकता था। वही लू फेंग को पकड़ने के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लू फेंग के भले ही विंग्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे तो उसके विंग्स के ऊपर ज़्यादा कुछ असर नहीं आ रहा था, लेकिन बाकी जो उसकी बॉडी है उसका आर्मर है वो धीरे धीरे करके क्रैक होना स्टार्ट हो चुका था, वो इरोड होना स्टार्ट हो चुका था, ऐसे लग रहा था वो धीरे धीरे करके बर्न हो रहा है। इसी तरीके से लू फेंग की जो बॉडी है वो भी धीरे धीरे करके इरोड करना स्टार्ट हो जाती है। लू फेंग काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है अपने आप को डिफेंड करने की और वो लेकिन इस पावरफुल अटैक के सामने नहीं टिक पाता। और कुछ टाइम के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग की बॉडी होती है वो जगह पे पूरी तरीके से गायब हो जाती है और वहाँ पे बस लू फेंग का जो ब्रोकन आर्मर पड़ा रहता है, उसके अलावा उसकी कुछ हड्डियाँ पड़ी रहती है, कुछ विंग्स पड़े रहते हैं, टावर पील, स्टार मैप, ड्रॉप ऑफ जनरल सोल और उसकी जितनी भी वर्ल्ड रिंग और वो सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें उसकी ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई थी और फ्लोट कर रही थी हवा के अंदर। वो जो बीस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हंसता है कि फाइनली फाइनली मैंने इसको मार दिया, और वो हंसता है और फाइनली इसी तभी उसके ऊपर अरोरा बीम गिर जाती है और वो फाइनली वो जो बंदा होता है वो हंसते हंसते मौत को प्यारा हो जाता है। मरते मरते जो मर्ज फॉलिंग बीस्ट था ये बस एक ही चीज़ कहता है कि उसे मरने के लिए कोई भी शेम नहीं है, क्योंकि वो गार्डिंग ट्रेजर से मर रहा है, वो भी एंसेस्टर गॉड स्कूल के। ये जो अरोरा बीम्स है ये कोई ऑर्डिनरी बीम्स नहीं है। काफ़ी सारे हैरोज हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जो डायरेक्टली मर्ज फॉलिंग बीस्ट के बॉडी के ऊपर गिरते हैं, इंस्टेंटली उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो वैनिश हो जाती है और फोम की तरह बन जाती है। कुछ टाइम के बाद ये जो फोम होता है ये भी डिसअपियर होने लग जाता है धीरे धीरे करके, और वापस से जो आसपास का माहौल होता है वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। भाई आसपास से थोड़ा बहुत जो कूड़ा कचरा उड़ा हुआ था या फिर जो धूल मिट्टी उड़ी थी वो सारी वापस से ठीक होती है। लाइट परसेप्शन नाइट और वो सब लोग देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि वो जो फाइव कलर अरोरा लेक थी वो किस तरीके से कितनी ज़्यादा पावरफुल थी। इवन इसको कुछ सेकंड्स भी नहीं लगे होंगे, मतलब एक सेकंड से भी कम टाइम के अंदर इस पर्सन ने एक नाइट लेवल के वॉरियर को इस तरीके से मार दिया जैसे कि इसने पता नहीं क्या ही मारा हो। और इसी के साथ वो ब्लेड रिवर एम्परर को भी देख सकता था कि इवन वो भी मर चुका था, क्योंकि वहाँ पे उन्हें दो डेड बॉडीज़ के सोना चांदी देखने के लिए मिल सकते थे, मतलब ट्रेजर्स इन दोनों के वर्ल्ड रिंग्स और बाकी सारी चीज़ें यहीं पे पड़ी हुई थी। और इसके साथ साथ बाकी सारे जो हेयर्स थे वो लोग भी ब्लड रिवर एम्परर को देख सकते थे, वो लोग देख रहे थे, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो लोग सोच रहे थे क्या ये ब्लेड रिवर एम्परर क्या ये इसी तरीके से मर जाएगा, भले ही सामने वाला बंदा एक नाइट लेवल का था लेकिन जिस तरीके से इस पर्सन ने अपना फेम क्रिएट किया था ये इतने आसानी से कैसे मर सकता है करके। इसी के साथ बाकी सब लोगों को मारने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि जो लू फेंग है वो मारा जा चुका, लेकिन फिर भी ये जो न्यूज़ है सब लोगों ने अपने आंखों के सामने देखा था, इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल जाती है। और इस वक्त हम लोगों को सीन चेंज होता है, मास्टर ऑफ स्काई बुल देखने के लिए मिलता है, और जब उसको पता चलता है कि मर्ज फॉलिंग नाइट ने ब्लेड रिवर एम्परर को मार दिया तो वो जोर जोर से दहाड़ने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाता है, क्योंकि इवन उसने जो नाइट लेवल के वॉरियर को भेजा था अपना काम काफ़ी अच्छी तरीके से किया और फाइनली उसने लू फेंग को मार दिया। और इसी तरीके से ये जो पर्सन है मास्टर ऑफ स्काई बुल इसके जो प्लान्स है वो सारे कामयाब हो गए। आफ्टर ऑल अभी उसको प्राइमल चॉइस सिटी लीडर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ये आ रहा था, हंसी आ रही थी, वो सोच रहा था ये प्राइमल चॉइस सिटी लीडर भले ही मेरे से कितनी भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो लेकिन ये क्या उखाड़ पाया, ये मेरे से अपने एक छोटे से डिसाइपल को भी नहीं बचा पाएगा, कितनी ज़्यादा शेम की बात है। उलू ये प्राइमल चॉइस सिटी लीडर इसके अंदर भी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि ये होली ग्राउंड के अंदर एंटर कर सके एंसेस्टर गॉड स्कूल के। इस वक्त जो मास्टर ऑफ स्काई बुल था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, खुशियाँ मना रहा था, और वो इसलिए ज़्यादा इतना ज़्यादा खुश नहीं था क्योंकि उसने लू फेंग को मार दिया था, बल्कि वो इसलिए इतना ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने फाइनली अपना बदला ले लिया था। क्योंकि गाइस आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा होगा कि जो प्राइमल चॉइस सिटी लीडर थे उसने इस पर्सन को लात मार के भगाया था अपने सामने से, और इसकी मदद से इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था प्राइमल चॉइस सिटी लीडर के ऊपर, और फाइनली उनके डिसेबल को मारने के बाद इसको लग रहा था इसका बदला पूरा हो गया।
वही वापस से सीन चेंज होता है, हम लोग को बहुनिया आइलैंड का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे काफ़ी सारे पावरफुल क्रिएचर आते हैं लू फेंग के घर के आसपास। वहीं पे हम लोग को सेवन ब्लेड और बाकी सब लोग भी देखने के लिए मिल सकते थे, और लू फेंग के बाकी सारे दोस्त भी यहाँ पे आ चुके थे जैसे कि थाउजेंड रेन, लिली एम्परर और जामुन एम्परर। वही जब इन लोगों को सुनने के लिए मिलता है कि जो लू फेंग है वो ऑलरेडी मर चुका है, तो उनको भरोसा नहीं हो रहा था। उन लोगों की जो आंखें थी वो फटी के फटी रह गई थी, उनको भरोसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे दो दो बंदे की डेड बॉडी पड़ी थी, एक पर्सन को तो फाई कलर अरोरा ब्लैक बीम ने मारा था, लेकिन जो दूसरा पर्सन था वो भी मरा हुआ पड़ा हुआ था। और ये जो दूसरी डेड बॉडी थी ये उनके हिसाब से उन लोगों को पता चला था कि यहाँ पे क्योंकि सिल्वर विंग्स पड़े हुए थे और लू फेंग की बाकी का सामान पड़ा हुआ था, उस तरीके से समझ चुके थे ये सारी जो सामान है ये ब्लड रिवर एम्परर का ही है। क्या सच्ची में ब्लड रिवर एम्परर मर गया? और वही हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था, सेवन ब्लड एम्परर काफ़ी ज़्यादा आके फाड़ फाड़ के उन विंग्स को देख रहा था जो कि इस वक्त लू फेंग के घर के बाहर पड़ी हुई थी, और ये लू फेंग की विंग्स थी। एक्चुअली में ये जो सेवन ब्लड एम्परर था ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था ताकि ये लू फेंग को सरपास कर सके, लेकिन उसने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा और ये जो ब्लड रिवर एम्परर है ये इतने आसानी से मर जाएगा। और मर्च वॉलिंग भी इतने मतलब अपनी जान की कुर्बानी देके ब्लड रिवर एम्परर को मारेगा, लेकिन इनमें से किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक सेक्टर लॉर्ड जो कि फाइनली इस यहाँ पे इस जगह पे आया जहाँ पे सेक्टर लॉर्ड लेवल के वॉरियर तो आते ही नहीं है लगभग लगभग, और ये आया जिसने अपना एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा फेम क्रिएट किया पूरी के पूरी अक्रॉस पूरी के पूरे यूनिवर्स के अंदर, सबके सब ब्लड रिवर एम्परर को जानते थे, जिसने लगभग लगभग 6,20,000 बैटल्स लड़े और 90% हायर्स को हराया, यहाँ के इतने सारे ग्लोरी पॉइंट जीते, और मात्र 2 साल के अंदर अंदर ये जो पर्सन है ये जैसे ही बाहर निकला उसके बाद ये मारा गया, ऐसे कैसे हो सकता है करके इवन जितने भी रेसेस के लोग थे वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, लेकिन उनके आंखों के सामने सबूत था जो लू फेंग के विंग्स और उसके जितने भी ट्रेजर्स पड़े हुए थे वो सारे इसी तरीके से ज़मीन के ऊपर पड़े हुए थे, और ये सारे क्योंकि ब्लड रिवर एम्परर के थे इसलिए वो समझ चुके थे कि शायद से लू फेंग सच्ची में मरा जा चुका है। और इस वक्त 90% लोगों की सोच जो है वो बस इसी चीज़ के ऊपर चल रही थी कि ब्लड रिवर एम्परर सच्ची में मर गया है, और उसके अलावा जो लू फेंग की वहाँ पे विंग्स पड़े हुए थे सिल्वर कलर के उसके अंदर से एक अलग ही चमक देखने के लिए मिल सकती थी जो कि काफ़ी सारे वॉरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इवन वो जो नाइट था जो कि लू फेंग को मारने के लिए आया था, नाइट परसेप्शन नाइट, वो काफ़ी ज़्यादा दूर से उसकी भी नज़र बस लू फेंग के उन विंग्स के ऊपर थी, उसको मन कर रहा था कि वो जाके भागते हुए जाओ और लू फेंग के विंग्स ले ले, क्योंकि ये विंग्स ही थे जिसके कारण लू फेंग की जो स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा थी, ये एक ट्रू था। इसी के साथ गाइस फाइनली आज का ये जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है, तो मैं आज सोने से पहले एक ऑडियंस पोल लगा दूंगा जिसके अंदर आप बता सकते हो कि मुझे एक्सप्लेनेशन थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए कि जैसा हमारा एक्सप्लेनेशन चल रहा है वो सही है या नहीं। वैसे तो जैसे चल रहा है वैसे ही मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन टोटली ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है आपकी आपको कैसा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं बता दूंगा ऑडियंस पोल में डाल दूंगा, आप बता सकते हो कमेंट के अंदर भी। तो चलो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, होप करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो गुड नाइट और शुभ रात्रि।